गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हुए, बस यही रह गया। अरे भारत आजाद कैसे हुआ उसके इतिहास के पन्नों को भी देख लो यार। अगर इस धरती की मिट्टी का हमने नमक खाया है, इस धरती से हम खाना पीना कमाई करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, इस धरती के लिए भी कुछ सोच लो। हमारे बड़े भाई राष्ट्रभक्त बाकी साहब, डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, यहां पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब, हमारे जवान जो धूप से बड़ी देर से खड़े हैं, मेरे पिता समान, मेरे भाई समान, मेरे बच्चों, मैं सबको वंदे मातरम बोलता हूं। मैं हर जगह पे जाने का मुझे मौका मिलता है, पर जो यहां आके सुकून मिलता है मुझे, सरहदों के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हमारे जवान कड़क गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर अपनी मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा के लिए जान को हथेली में रख के मौत का कफन बांध करके अपनी मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा करते हैं। पर एक तरफ पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं देखता नहीं है उनका जवान, पर हमारे जवान हमेशा उनकी बोली तैयार रहती है कि हमारे मातृभूमि की तरफ आंख उठा के देखेगा, गोली रुकेगी नहीं, गोलियों की बुखार होगी। यह हिंदुस्तान के हमारे फोर्सेस के जवानों ने, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बता दिया है। हमारे 40 जवान शहीद किए थे आतंकवादियों ने पुलवामा में, और उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी फोर्स ने 15 मिनट के अंदर बालाकोट के अंदर 500 के करीब आतंकवादियों को भेज करके और 40 जवानों की शहादत, तो वह जरूर उनकी रूह को शांति पहुंची होगी। जहां रोज बहनों के सुहाग गुजरते थे और हमारे जवानों की बॉडी खून से लथपथ तिरंगे झंडे में हिंदुस्तान के हर हर कोने में आया करती थी, आज 370 धारा हटने के बाद, वो 40 जवानों की शहादत के बाद आज 370 धारा हटी। कभी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे आजाद हिंदुस्तान के अंदर, कभी तिरंगे झंडे का अपमान होता था, कभी भारत माता का अपमान होता था,
कभी जवानों के पत्थर फेंके जाते थे, कभी गोलियां चलाई जाती थी। अब 15 अगस्त और 26 जनवरी आई, कश्मीर के हर कोने में तिरंगे ही तिरंगे थे, वंदे मातरम वंदे मातरम था। सस्ती चीज नहीं मिलती थी, यहाँ अगर 100 रुपए किलो चावल आता है तो वहां 10 रुपए किलो मिलता था। आपके खून पसीने की हर चीज उनको मुहैया कराई जाती थी। इसलिए इसलिए कि उन लोगों को साथ रखा जाए। अरे हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसका हक है। और उनको बिगाड़ने की अगर हम कई पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश करती रही तो उन्होंने उन शहीदों का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। अगर आज 370 नारा हदी, अगर आज जवानों की शहादतें नहीं होती, अगर आज तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होता, अगर आज जवानों पे पत्थर नहीं फेंके जाते, आज अगर हर जगह पे तिरंगा लहराया जाता है, वंदे मातरम बोला जाता है, तो 70 साल में हम क्या करते रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रथम राष्ट्र है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीएम हो या सीपीआई हो, प्रथम राष्ट्र है। तेरा वैभव अमर है मां, हम दिन चार रहे ना रहे, हमने तो एक दिन जाना है। अरे भारत मां, जितनी देर तक यह दुनिया रहे तू हमेशा अमर रहे। तेरी तरफ आंख उठा के देखे, आंख भी उठ के निकाल लेंगे, ये आज का भारत बना है। चाइना ने देखा क्या किया, एक तरफ हर दरवाजे पे मौत का तांडव है, हर दरवाजे पे मौत खड़ी है, और दूसरी तरफ चाइना ने क्या मौका ढूंढा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चने चबा दिए। अब सही मौका है कि हिंदुस्तान को कमजोर करें। अपने वो टिप्पू पिट्टू लेके आ गया छोटे छोटे वहां से, और लगा हमारी मातृभूमि पे कब्जा कर रहे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती को लेकर के चौड़ा होके खड़ा हो गया, और उधर तरफ चाइना की बंदूकें, और पूरे चाइना को बता दिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फौज को बता दिया, पहली अगर गोली चलेगी इस मातृभूमि की तरफ पर यहां जाती है, मेरा सीना पार करके जो मेरे जवान की तरफ चलेगी, जो बता दिया आज का हिंदुस्तान है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लड़ाई, कोई झगड़े नहीं। अगर राष्ट्र की सुरक्षा होती है, हमारा प्रथम राष्ट्र मजबूत होता है, हमारे लिए नौजवान राष्ट्रभक्त मेरे बच्चे मेरे बेटे, अगर अभी से उनके अंदर जज्बा है उस मातृभूमि की सीमाओं को देख करके, जवानों की शहादतों को देख करके, कि हमें भी बड़े होकर मौत का कफन बांध करके, जहां शहीद आजम भगत सिंह, जहां राजगुरु सुखदेव, जहां मंगल पांडे, जहां इस्तफाकुल्ला खां, जहां रानी झांसी, जहां तात्या टोपे, जहां जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहां लाला लाजपत राय जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई पंजाब के अंदर, और कहा था उन्होंने अंग्रेजों को, एक एक लाठी आपके मौत का कफन बांध करके काम करेगी। इस भारत को आजाद कराया। राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन लाखों के होते, लाखों की भीड़ होती है, पर ये करोड़ों की भीड़ है, ये करोड़ों की भीड़ है, जितने भी हैं हम से मौत का कफन बांधा है। इसमें कोई नेता जिंदाबाद नहीं है, इसमें एक ही जिंदाबाद है, मेरा भारत। हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो या ईसाई हो, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है यह धरती उसका हक है। पर कानून हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, कानून एक होगा। अलग अलग कानून हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को हिंदुस्तानी मानते नहीं। मेरी तरफ मेरी पहचान देखो, दुनिया में बैठे हुआ हर हिंदुस्तानी को पूछो बेटा कौन है, कहने भारतीय, तुम्हें क्यों नहीं कहता। कारण सबसे बड़ा ये कि हमें वंदे मातरम भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है, इसलिए विश्वास नहीं करते।
अगर मैं कहूंगा मैं तो सरदार हूं, मैं तो खालिस्तान की बात करूंगा, तो मेरे से भी शक करेंगे। ये संस्कृति है ना आपकी, आप अच्छा बोलते हैं, सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। वाटी साहब भी इसके अंदर, ये सारे मेरे पिता समान इनके अंदर जज्बा है ना, ये आपकी ताकत है, ये आपके पिता बुजुर्गों की यहाँ की धरती की शक्ति ताकत है कि आपके अंदर संस्कृति है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हुए, बस यही रह गया। अरे भारत आजाद कैसे हुआ उसके इतिहास के पन्नों को भी देख लो यार। अगर इस धरती की मिट्टी का हमने नमक खाया है, इस धरती से हम खाना पीना कमाई करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, इस धरती के लिए भी कुछ सोच लो। ये जवान है ना गर्मी में खड़े हैं, वो बेटियां खड़ी हैं, सब खड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये हमारी नौकरी नहीं करते, इनको कभी नौकर मत समझना, इनको बना बिल्कुल मत समझना। ये अपनी जिम्मेदारी आपके लिए, राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। आज हम शपथ लेते हैं कि भारत की आजादी रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे और बड़े होकर के भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए हम फोर्स में जाएंगे, ताकि हमारी भारत माता की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की।